तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस सरप्राइज, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो एक सजेस्टेड वीडियो है। मतलब इस वीडियो का मतलब ये जो वीडियो है, एक किसी ने मेरे को सजेस्ट की थी कि ये वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, एंड आई थिंक कि हाँ बढ़िया टॉपिक है। तो हाउ टू जस्ट राइड अ मोटरसाइकिल फॉर बिगनर्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल और वैसे ही चीज़ बता दूँ, ये जो टिप है, ये बाइक राइडिंग टिप, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। मतलब जो सब फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे हैं, तो गाइज़ ये देख लो। सबसे पहले अपने आप अपने को क्या होता है, की ऑन करनी होती है, जो इग्निशन की होती है। अभी ये टर्न ऑन, एंड उसके बाद एक कुल स्विच होता है अपना यहाँ पे। अगर ये ऊपर रहता है तो मतलब बाइक अभी ऑफ है। इसको नीचे करना पड़ता है बाइक को स्टार्ट करने के लिए। सो इसको नीचे किया, एंड देन ये मेक श्योर दैट योर बाइक इज़ इन ऑलवेज न्यूट्रल। जो अपाचे के जो गियर सिस्टम है वो है लाइक फर्स्ट ऊपर न्यूट्रल, एंड देन फिर सारे ऊपर। तो अभी बाइक न्यूट्रल में है, एंड मैंने बाइक को किया स्टार्ट। देख सो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, एंड सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है, अभी बाइक न्यूट्रल में है, बाइक स्टार्ट है, अभी आपको क्लच प्रेस करनी है एंड नीचे करना है, फर्स्ट गियर डालना है। एंड फर्स्ट गियर डालने के बाद गाइज, अभी ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत लोग सबसे मतलब बहुत क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में होती है, क्लच कैसे छोड़ें। तो भाई आपको सिर्फ रेस पे यहाँ पे एक्सीलेटर पे हाथ रखना है, कुछ भी नहीं करना है, और क्लच को अभी तो बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बिल्कुल आराम आराम से क्लच को छोड़ना है। और एक चीज़ देखना, जब आप बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से क्लच को छोड़ोगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बाइक हल्की हल्की आपको हिलने लगेगी। तो उस पॉइंट पे लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और उसी पॉइंट पे लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे बाइक हिल रही है और अचानक से क्लच छोड़ देते हैं और बाइक बंद हो जाती है। तो पैनिक नहीं होना भाई, बिल्कुल आराम आराम से, जैसी मोशन वाला पॉइंट आता है ना, जैसी मोशन वाला पॉइंट आता है, आपको क्या करना है, जैसे अभी इस पॉइंट पे मेरी बाइक हल्के हल्के मोशन में आ गई, आप देखते हो अभी बाइक हिल रही है, तो जैसी ये मोशन वाला पॉइंट आ जाए ना क्लच में, उसी टाइम पे रेस दे दो, एंड क्लच को बिल्कुल उसी क्लच को उसी जगह पे रखना है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लूज़ करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। एंड जैसी बाइक एक बार 5 किलोमीटर की मतलब 5 से 6 आ जाए, क्लच को छोड़ दो, एंड आराम आराम से पैर ऊपर आप कर सकते हो। एंड उसके बाद जैसी बाइक जाती है, अभी आप बिगनर हो तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊँ मतलब ज़्यादा हाई आरपीएम पे सजेस्ट नहीं करूँगा, तो जैसी बाइक जाती है 3 या 4 हज़ार आरपीएम पे, तो अपने एक्सेलेटर को बिल्कुल छोड़ दो, प्रेस द क्लच एंड शिफ्ट अप। उसके बाद अगेन आराम आराम से क्लच को छोड़ना है, हल्का जब आपको फील होएगा कि बाइक मतलब अपने आप पुश होनी स्टार्ट हो गया आगे, उसी टाइम पे एक्सेलेट कर दो। यही मतलब जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है ना गाइस, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो तो यही चीज़ है। एंड उसके बाद फिर से वही करना आपको, 3000 आरपीएम पे रेस को छोड़ना है, एक शिफ्ट अप करनी है क्लच दबा के, एंड अगेन रेस। और वैसे गियर शिफ्टिंग में तो आपको आप पूरी क्लच छोड़ दो, एंड उसके बाद भी आप रेस एक्सेलेरेट कर सकते हो बाइक को। एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, अगर आप कभी ये बाइक वाइक सीख रहे हो तो बिल्कुल खाली जगह पे ट्राई करना, कहीं पे भी मत करना। और मतलब जैसे अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली जगह है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, मतलब थोड़े बहुत व्हीकल होते हैं ऐसे, तो 2-4 हैं, बट थोड़े बहुत बहुत कम व्हीकल होते हैं। तो एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ वो वाला वो चीज़, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से गाइस, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, कुछ डरने की कोई बात नहीं है, बाइक अपने फर्स्ट गियर में है, और क्लच को बिल्कुल आराम आराम से छोड़ना, बिल्कुल आराम आराम से, और बाइक जैसे आपको लगी मोशन में लगी है, एक्सेलरेट एक्सेलरेट कर दो, और धीरे धीरे क्लच छोड़ दो, एंड क्लच छोड़ने के बाद रेस छोड़ दो, सेकंड गियर क्लच छोड़ो एंड रेस दे दो। सेम 3 से 4 हज़ार आरपीएम गई, रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, अप शिफ्ट, क्लच छोड़ो एंड रेस दो। मैं क्लच मतलब एक्सल रेस छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ हटा लोगे, मतलब बस जस्ट अभी अगर आपने रेस दे रखी तो रेस को मतलब ऐसे कर दो, छोड़ दो, क्लच दबाओ एंड अप ऑन, क्लच छोड़ो और फिर रेस दे दो। तो इसी तरीके से करना। और एक चीज़ और, आपको स्पीड के हिसाब से गियर रखने हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं। अभी मान लो मैंने दोबारा से फर्स्ट गियर लगा दिया है, और मैं एक बार फिर से एक बार लास्ट टाइम आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच, बाइक मोशन में,
एंड आपको हल्के हल्के से एक्सेलरेट करना है और हल्के उसके पूरी क्लच छोड़ देनी है एंड उसके बाद रेस छोड़नी है। जैसी बाइक 3 से 4 हज़ार RPM पर जाए आपको रेस एक्सेलरेटर छोड़ना है, गियर डालना है एंड क्लच छोड़ दो। फिर अभी आपको थर्ड गियर किस पे लगाना है तो उसके लिए बस यही है, 4 से 5 हज़ार, 5 से ऊपर मत ले जाओ अभी आप, शायद कंट्रोल ना कर पाओ अगर आप बिगनर हो तो। तो 4-5 हज़ार पे जाती क्लच को छोड़ दो, क्लच दबा ओ सॉरी रेस को छोड़ दो, क्लच प्रेस करो एंड अपशिफ्ट हो गया एंड क्लच छोड़ो और फिर अगेन रेस। अभी जो फोर्थ गियर है अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप बिगनर हो तो, क्योंकि फोर्थ गियर की जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो अभी आप देख सकते हो 40 अराउंड 40 स्पीड है, 5000 RPM है, रेस को छोड़ो, क्लच दबाओ, अपशिफ्ट। आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप नीचे देखोगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं नीचे तो मैंने आपको बस दिखाया देखा मतलब आपको लोगों को दिखाने के लिए नीचे देखा था। एंड अगेन लीव द क्लच एंड एक्सेलरेट द बाइक, बिल्कुल सिंपल चीज़ है भाई, बिल्कुल ही ठीक है ना। तो भाई एक चीज़ बता दूँ आपको ना, ये जो सीखने की बाइक सीखने की चीज़ होती है ना, बिल्कुल मतलब बहुत आसान चीज़ है, कोई डरने या पैनिक होने वाली चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने ही बहुत बार बंद की थी, बट ना मैंने एक चीज़ देखी है, जो ये जो मैंने आपको टिप बताई मोशन वाली, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं जब आप बाइक सीखते हो। तो किसी ऐसे बंदे सीखना जो काफ़ी मतलब जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, या फिर अगर आपने मेरी वीडियो ठीक से देख रहे हो ना और जो जो मैं बता रहा हूँ तो आप पहली बारी में ही बाइक चला दोगे। मैंने कई सारे मतलब मैंने काफ़ी लोगों को सिखाई है, मतलब मेरे कज़न वज़न है छोटे भाई, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक चलाई थी तो मैंने 3-4 बार लगातार बंद की थी, बट जब मैंने उसको टिप दी थी यही सेम, तो उसने पहली बारी में बाइक को चला दिया था। तो भाई जैसा मैंने बताया ना, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ने, जैसी बाइक थोड़ी सी हिलने लग जाए, मोशन में आ जाए, और फिर आप रेस दे सकते हो। सो जो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ये जो गियर और थोड़ा बहुत ही जो मैंने आपको बताया, कम से कम ना 2 हफ्ते किसी खाली जगह पे डेली, अगर आप डेली के 10 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे ना, डेली 10 मिनट अगर आप किसी खाली जगह बाइक चलाओगे, 10 से 15 या 20 मिनट लगा लो, तो आप डेली लगभग 14 दिन, 2 हफ्ते, 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। आप उसके बाद डायरेक्टली रोड पे जा सकते हो, अगर आप 2 हफ्ते भी चला लोगे डेली तो काफ़ी हैं। एंड बस फिर गाइज उसके बाद तो प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। जो बाइक एक बार जो बाइक चलाने वाली चीज़ होती है ना, वो तो कोई भी सीख लेता है, बट जो रोड सेंस होती है ना, वो तो भाई एक्सपीरियंस ही आती है। जैसे जैसे आप बाइक को चलाते हो वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, रोड सेंस और आती जाती है। बस रोड पे चलाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, उस रोड पे आप तभी जाना जब आपकी क्लच पे पूरी कमांड आ गई हो, मतलब अब ये चीज़ है कि आप अब कोई दिक्कत नहीं करोगे। तो एक बार आपको यू टर्न लेना भी सिखाता हूँ, अगर मान लो आपकी स्पीड ज़्यादा है, लेट सपोज आप थर्ड गियर में हो एंड वहाँ पे यू टर्न है और आपको यू टर्न लेना है, तो सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर देना ही चाहिए गाइस, अगर आप बिगनर हो तो वैसे तो हमेशा ही देना चाहिए, इसके बाद नहीं, और एक बार पीछे चेक कर लेना चाहिए एंड एक गियर हमेशा डाउन कर लो। अगर सामने से अगर रोड ये वाला मान लो रोड चलता हुआ रोड हो, अगर मान लो आप जिस रोड की तरफ मुड़ रहे हो अगर उस रोड पे ट्रैफिक है, तो आपको एक बार रुकना चाहिए, फर्स्ट गियर में बाइक को डालो और फिर वही धीरे 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 आराम से बाइक को चला लो। जब यू टर्न वाले टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बाइक को बंद कर देते हैं काफ़ी बार, आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी आराम आराम से क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे रेस देनी है। एंड अगर आप लाइक स्पीड में हो, खाली रोड है और आपको एज इट इज़ यू टर्न लेना है, तो भी आई रिकमेंड थोड़ी स्पीड कम करो, इंडिकेटर दो, एक गियर डाउन करो एंड आराम से देख के हल्की हल्की रेस और हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। यू टर्न में बहुत लोग डरते घबराते हैं। तो अब जो थर्ड पार्ट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेकिंग और पैनिक ब्रेकिंग। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रेकिंग बताता हूँ, लोग जब अगर आप नहीं सीखते हो तो बहुत प्रॉब्लम रहती है ब्रेक्स में, और गलती से पैनिक ब्रेक हो जाए, और अगर आपकी बाइक में ABS ना हो तो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ब्रेकिंग के लिए आपको बता देता हूँ मैं, लेट्स सपोज कि आपकी स्पीड है 40, तो सबसे पहले आपको बता दूँ अगर आपकी बाइक में ABS है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी ब्रेक्स को प्रेस कर सकते हो। बट अगर आपकी बाइक में ABS नहीं है तो आई रिकमेंड सिर्फ पीछे वाला ब्रेक, अभी आपको दिखाता हूँ पीछे वाले ब्रेक से, ऑल्दो मेरी बाइक में ABS, बट मैं आपको दिखा देता हूँ।
लेट्स सी बाइक इज इन द स्पीड ऑफ 35 और आपको क्या करना है, बस आराम से जो नीचे वाला ब्रेक लीवर है उसको बिल्कुल आराम से पहले टच करना है एंड बिल्कुल आराम से कर दे उसको प्रेस करना है, और जिस टाइम पे बाइक रुकने वाली हो उस टाइम पे क्लच को दबा लो और आपकी बाइक ऐसे रुक जाती है। सो अगर आपको एक बार मैं आपको क्लच कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, कभी भी जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो आपको क्लच मत यूज़ करो, कभी भी ब्रेक्स लगा रहे हो क्लच का यूज़ मत करो, क्योंकि क्लच अगर आप यूज़ कर लेते हो ब्रेक्स स्किट होने में फ्री हो जाते हैं, तो बहुत इजी स्किट हो जाते हैं टायर्स। अगर आप क्लच को प्रेस करके ब्रेक्स लगाते हो तो फिर कभी भी ये नहीं करना है, बिल्कुल क्लच को हटा लो, आराम से ब्रेक्स लगानी है। जब स्पीड आपकी बिल्कुल कम हो जाए उस टाइम पे आप अपनी क्लच को प्रेस कर लो, अगर उस टाइम पे नहीं करोगे तो बाइक बंद हो जाएगी। और आपको दिखा दूँ किस तरीके से, अगर मैं क्लच को नहीं पकड़ता और ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो ये देखो बाइक बंद हो जाती है। तो जब बाइक ऑलमोस्ट रुकने वाली हो जाए 10 to 15 तब आप अपनी क्लच को प्रेस कर सकते हो। और अभी आपको बताता हूँ एक पैनिक ब्रेकिंग वाली चीज़। तो पैनिक ब्रेकिंग में क्या करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, अगर आप नहीं सीख रहे हो और अगर अचानक से पैनिक ब्रेकिंग लगाने पड़ जाए तो पहले तो वही ध्यान रखना है कि कभी भी क्लच को यूज़ नहीं करना है पैनिक ब्रेकिंग में, तो खासकर नहीं यूज़ करना है पैनिक ब्रेकिंग में। अगर आप क्लच यूज़ नहीं करते हो तो बाइक अच्छे से रुक जाती है पैनिक ब्रेकिंग में। तो भी मान लो आपकी स्पीड है 50 km/h एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करना है वही आराम से। अगर आप ज़्यादा पैनिक ब्रेकिंग है तो थोड़ा सा टाइटली आप यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि पीछे वाला जो टायर है वो स्किट हो जाए। तो बिल्कुल आराम से थोड़ा सा हार्ड इस बार और आगे वाला ब्रेक बिल्कुल टच, और जो गियर का प्रेशर, मतलब अगर आप क्लच नहीं दबाओगे तो गियर की वजह से बाइक भी रुक जाएगी और बंद हो जाएगी। तो अगर आप क्लच नहीं दबाते हो तो वो भी बाइक को रोकने में काफ़ी हेल्प करती है। तो एक चीज़ तो ये होगी, अब आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ बाइक इज इन, और आराम से ये देखो अभी दोबारा से बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखा आपने, इट्स पैनिक ब्रेकिंग तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी डरने की कोई बात नहीं है। बस जो फ्रंट ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपकी बाइक में ABS है तो आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सीधी बता रहा हूँ मैं, सीधा खुल के मारो ब्रेक पैनिक ब्रेकिंग। अगर आपकी बाइक में ABS है ना तो सीधा पूरी टाइटली प्रेस कर दो ब्रेक, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर ABS नहीं तो स्किट होने का डर रहता है और आप गिर सकते हो बाइक से। तो वो ये आगे वाले ब्रेक्स को बिल्कुल प्यार से प्रेस करना है, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से, इतना कि बाइक का टायर स्किट ना हो। और एक टिप और आपको देना चाहता हूँ मैं, जब आप बाइक सीखो तो नॉन ABS पे सीखना, थोड़ा ना नॉन ABS पे सीखने से थोड़ा सही हो जाता है, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। अगर इन सिचुएशन आपको कभी नॉन ABS बाइक चलानी पड़ेगी तो आपको आदत हो जाए तो आप नॉन ABS पे सीखना, मेरी राय तो ये, मैंने भी नॉन ABS पे सीखी थी। और जब आप बाइक सीखो तो किसी छोटी CC पे ही चलाना सीखना, बहुत लाइक 150-160 भी नहीं रेकमेंड करता हूँ मैं तो, 100-125 पे सीखना, 150-160 भी ठीक है, पर इससे ऊपर मत जाना बाइक सीख रहे हो तो। अगर ये मैक्सिमम है 150-160 बाइक सीखने के लिए, बाकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 100-125 पे आप बाइक सीखो। सो गाइज आई होप आपको कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको वीडियो भी बढ़िया लगी होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा थोड़ी सी बेटर। आपको यही जो मैंने आपको सिखाया ना, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो 2 हफ्ते पहले तो खाली जगह पे एंड रोड पे चलाओ 2-3 महीने। और मैं एक एपिसोड, मतलब एक वीडियो और भी ले आऊँगा इसके लिए, हाउ टू राइड बाइक के लिए, मतलब लाइक जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से कैसे चलाते हैं, प्रॉपर तरीके से हाई RPMs पे लेके जाके, जैसे कि इस तरीके से हाई RPM पे कैसे बाइक को संभालते हैं एंड बढ़िया एक्सट्रीम पैनिक ब्रेकिंग, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे, अलग अलग कंडीशंस पे बाइक को कैसे चलाते हैं एंड क्लच थोड़ी सी और बड़े तरीके से यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ आपको एक वीडियो और बनाऊँगा उसमें बताऊँगा।
So that's it for the video, guys. I hope you enjoyed the video. If you enjoyed, then do like the video. And if you want to share or tell to your friends ki kaise bike seekhte hain aap ya fir kisi aapke dost ko relative ko seekhni hai bike, to uske sath aap ye video share kar do fatafat se. Aur agar channel pe naye ho to subscribe kar do channel ko. Milta hu aapse agle kisi video ya vlog mein.